बताओ दादा काका सरकार आज ही अभी अब मैं काला कैसे बता सकूं। से हम ना भूपेश ला बहुत पसंद करा थे तरफ की महिला मन भी और किसान मन भी कहे जाए। छन्नी साहू के कार्य से मतलब खुश नहीं हूँ। बघेल तो वैसे अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। 5 साल में तो कुछ नहीं करी से बघेल सरकार ढोरगा दारू पैसा बहुत। आप किसान के हित में हमला कामला कर रहे थे तो कारण से हम मना कांग्रेस ऐसी किसान हरते हाँ मैं किसान होते कुछ भी नहीं किए उसको नाम बहुत मारेंगे उसको हम लोग आएंगे तो किसान के हिसाब से तो ठीक है लेकिन जो युवा मन के लिए करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाए। खुजी मुजन विधायक है दोनों कांग्रेस के फिर कुछ नहीं कर पाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030916116। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनेपन का। सब झला जय जहाल मैं छत्तीसगढ़ आप देखा था तीरंदाज। आज मैं आगे हूँ खुज्जी विधानसभा में हमारे दीदी मन से बातचीत करबो मन चुनाव के बारे में हमारा का जानकारी देवा थे। तो बताओ दीदी आप यहाँ के चुनावी माहौल कैसे चला थे? अभी तो ठीक चला थे चुनावी माहौल। का लागत काका सरकार बन जाये? भूपेश सरकार कांग्रेस के बनी बीजेपी का बनी बने ओहा का झूठा वादा करी से। और आपन बताओ दीदी आपन बताओ मन के लागत है कांग्रेस सही कांग्रेस ला चलाना चाहता ना आप मला का लगा दीदी काका सरकार आज भूपेश बघेल के कांग्रेस ला जिताना है। का कार्य करे महिला मन पर मोला जीता हूँ। हर चीज के कार्यक्रम तो अच्छा दिए थे हर चीज में मस्त काम धाम खेती बाड़ी हर चीज ठीक लगा थे। कांग्रेस की सरकार बने थे। आप बताओ दीदी आपके कार आए भूपेश सरकार हाँ। का कार्य करे महिला मन के लिए बहुत बड़े काम करे है आगे बढ़ाते महिला मन ला बहुत सारा रोजगार दे है महिला मन ला और अभी धान ला भी अच्छा मूल्य दे है धान की भी समर्थन मूल्य भी अच्छा रिश्ते और बीच में बोनस भी देते रहते मस्त तो अच्छा लगी। अपन कौन सा विधानसभा आते जी यहाँ के विधायक छन्नी साहू हरे तो कार्य वारे कराते थे। अभी तो छन्नी साहू हमारे क्षेत्र उतना ज्यादा नहीं देखा थे। अब बहुत बड़े खुज्जी विधानसभा ये तो नहीं कि मोराज बांधा है इस बात नहीं है उसका बहुत सारा गांव है तो वो तरफ ला देखा तो ही बाकी आय बांधा साइड ला नहीं देखा थे अभी वहाँ। आप मन बता दीजिए काका सरकार भूपेश कांग्रेस सरकार भूपेश ला तो लाना छे कहे जाए कावर की महिला मन ला अच्छा रोजगार भी देते जैसे गोबर खरीदी है वर्मी कंपोस्ट है और वजह से हम ना भूपेश ला बहुत पसंद करते है तरफ की महिला मन भी और किसान मन भी कहे जाए तो कांग्रेस सरकार लाना चाहिए। आप मन के राय बताओ भैया 100% कांग्रेस सरकार आना चाहिए। का बनाना चाहिए सब लोग खुश कर देंगे सब बोनस वोनस सब टाइम में डाला सब कुछ किसानों को। तो बताओ भैया यहाँ के कार्य वाले सही होत ना खुज्जी विधानसभा का कार्य तो अभी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जब से मतलब कांग्रेस की सरकार आई है तब से खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का कार्य प्रगति जो है वो रुक चुका है। इस कारण मैं चाहता हूँ कि पुनः मतलब बीजेपी की सरकार आए। मतलब ते बीजेपी लाना चाहते हो? हाँ बीजेपी को पुनः लाना चाहता हूँ मैं। खुश नहीं है इस कार्य से? नहीं मतलब मैं तो खासकर छन्नी साहू के कार्य से मतलब खुश नहीं हूँ। बघेल तो वैसे अच्छे हैं लेकिन अपना जो क्षेत्र खुज्जी आता है ना तो उनके कार्य से मैं खुश नहीं हूँ। आप मन के राय बताओ भैया। हमारे लिए ठीक है सब ठीक है कहीं तकलीफ नहीं है? नहीं। तुम बताओ दादा बता। हमारा सही हिसाब है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहे बहुत बढ़िया है। तो ले कार्य करत हो? हाँ सब कार्य करत हैं बहुत बढ़िया है। कांग्रेस सरकार आना चाहिए। बताओ दादा आप मन के राय बताओ काका सरकार आना चाहिए? हमारे तो बीजेपी के है सरकार। बीजेपी हाँ कार्य तो ठीक करे बीजेपी है हाँ हमारे लिए तो बहुत अच्छा है बीजेपी बहुत ही अच्छा है। काका कार्य करे दादा? का कार्य अरे जो हमारा जो मोदी है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। बाकी राहुल गांधी तो बोल वचन में भी ठीक नहीं है फिर क्या मतलब। आप मन के राय बताओ दादा। भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। 5 साल में कुछ नहीं करी से बघेल सरकार ढोरगा दारू पैसा कांग्रेस बताना भाई क्या इंदिरा आवास का बन जाती सही जगह एको इंदिरा आवास नहीं सब देखा सीधी सरकार तो नहीं होना पाए। नहीं मिला इंदिरा आवास के लाभ कहाँ मिले कोठो नहीं बने खुज्जी में। खुज्जी विधानसभा खुज्जी मुजन विधायक है दोनों कांग्रेस के, फिर कुछ नहीं कर पाई से, कुछ नहीं करी से, घाव नहीं चले सस्ता उसको खुज्जी में देखा। इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। आप मान के राय बताओ दादा, जमानत साहू का और छन्नी साहू का जमानत जब्त होगा इस बार, नहीं खड़ा हो सकता, बुरी तरह हारेंगे उन लोग। कुछ भी नहीं किया उन्होंने 5 साल में, शकल भी नहीं खाया उन लोग। क्या किए 5 साल में, जो कोई बताया अच्छा काम किया करके कभी बताया क्या वो लोग? वो खाली चुनाव आते जाते हैं, बाकी समय दिखाते भी नहीं शकल को, कुछ भी नहीं किए। उसको नाम बहुत मारेंगे, उसको हम लोग आएंगे तो भगाएंगे उसको, यहाँ से घुसने देंगे गाँव में। हम तो कांग्रेस को नहीं देंगे भाई इस बार वोट, हम देते हैं हमेशा, लेकिन इस बार नहीं देंगे वोट, क्योंकि हमको उनको चिड़े उनसे। चिड़े भाई, कुछ काम ही नहीं किया ना भाई, कभी शकल नहीं दिखाया उस लोग आज तक, नहीं आए इतनी जायदाद बनी है, कुछ भी बार एक दो साहब नहीं आया कुछ में। यही बात करत करत हम हमारे भैया कर पहुँच गए, तो ओकरो से जानबो हमारे चुनावी माहौल के बारे में। तो बताओ भैया, यहाँ चुनावी माहौल कैसे चला? चुनावी माहौल बहुत जोर से है, तगड़ा है ना। जैन सरकार अपन वादा नहीं भाई, ओकरे सरकार की मदद करना है, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे कि आम आदमी पार्टी रहे, कार्यकारी हुई बनाना भाई। जनता परेशान है, जनता काम ले सही कर ही है नहीं, ओकरे सहयोग कर ही जनता है, चाहे कोई पार्टी का है। आप तो युवा हर, तो आप मन के लिए कुछ कार्य करे नहीं? युवा के लिए तो काम नहीं हुआ है, बहुत सारा वादा जो करेगी सरकार है ओला पूरा नहीं करे है ना। किसान मन के लिए तो अच्छा करे है, और किसान के बेटा गलो हरन, किसान के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो युवा मन के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पाए है ना, तो कहीं ना कहीं कमी है। तो आप लगा लागत काकर सरकार आ जाइए, अब काटे टक्कर रही है दारी है ना, बीजेपी कांग्रेस में, और तीसरा एक आम आदमी घरों घुस गए, आओ तो कहीं ना कहीं कांटे टक्कर रही दोनों पार्टी में दारी। काकर सरकार आज ही मैं मस्ती की कांग्रेस के, अब हमारे यहाँ में तू ही दिखत किसान के हाथ है, किसान के हाथ बाब वही दिखत किसान है कांग्रेस है, किसान हर तेकर से नहीं, हां बे किसान होते कर से का, अब किसान कार्य करे छावे ना, हां मोर तो अब सबो काम ये हो। आप बता दादा, अपन काकर सरकार आज ही बता, मैं मोर हिसाब में तो कांग्रेस के सरकार ही पीछे लगत है, हम कांग्रेस ना देवे। हां दादा कांग्रेस के सरकार रही, किसान आदमी हरो में, हां आप किसान के हित में हमला कामला करत है, सबो चीज खातो कचरा सबो हमला सब भरपूर मिली, तो कारण से हम ना कांग्रेस के कोई के रहे, हमला दुनिया भर से नहीं ए दे जे। हमन चुनाव बारे में जाने वाला हमार भैया कर आगे हैं, तो बताओ भैया कैसे चला चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो ठीक है, इसे जो अपन मुख्यमंत्री जो अपन है वो तो अच्छा देते हैं, अभी के भूपेश बघेल है, अभी चावल धान के रेट ला भी बढ़ा दे, वो कारण अभी तो ओकरे माहौल ज्यादा चलता वही बने, ओकरे सरकार बनी, ओकरे सरकार खुश है। और यहाँ विधायक के कार्य से तो खुश है कि नहीं? हाँ दलेश्वर साहु खुश हो, बहुत सम्पन्न है, सब गौठान उठान वगैरह है, कचरी कर रहे हैं, मंच भी बनाते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ काम है, ठीक है। तो लगा लागत काका सरकार है, अभी भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, काका सरकार है। अब एकदम ज्यादा नहीं बता सकूँ मैं यहाँ कि कांग्रेस के ही क्या भाजपा ही, उस समय बता ही भाई है कि नहीं, दोनों टक्कर लागत तो, हाँ दोनों को टक्कर लगी चो युवा हर, तो तोर हिसाब से बता काका सरकार रही? अब एकदम परफेक्ट नहीं बता सके ना जी, अभी चुनाव माहौल तो लगबे नहीं करे, अभी ओकर बाद ही बताबो कि चुनाव माहौल यही ओकर बाद। अरे हमारे दादा से घलो जानबो हमन है, बताओ दादा काका सरकार आ जी अभी? अब मैं काला कैसे बता सकूँ, कैसे बता रहा हूँ, तो कौन आ जाए कौन नहीं है तेरा, तोला का लागत, तोला का लागत है काका नहीं, अभी मैं काकरो नहीं बता सको, आधार में ही ये काकर कार्य से खुश है, काकर कार्य से मैं वही बता ना, जे हमारा भी सामने में फायदा वाले काम करी ना, वही चढ़ा मन जिताबो, फायदा कमा, हाँ किसान ला हमला लाभ दी ना, वही चढ़ जिताबो, अभी नाम नहीं धर रहा। अत्ते बुजुर्ग हो गए दादा, तो तोरवा कुछ हो मन है, कुछ तोला कुछ लाभ मिलते नहीं बुजुर्ग के, वही पेंशन देते 350, सब गाँव में तो 1000, 1200, 1500 देख, हम लोग 350 हमारे सरकार खुश नहीं है, खुश नहीं हो मैं, तो बदलना चाहिए सरकार, बदल ही अब देखो, अब देखो तटी जाना भी नहीं बता सकते, गलत खा जाये। तेरे हमारे दादा से जानबो हमारे चुनावी माहौल, तो दादा कैसे चलते थे चुनावी माहौल? अभी चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ है, का लागत काका सरकार बन जाये? कांग्रेस के, कांग्रेस के खुश सरकार कार्य से, हाँ खुश हो, काका कार्य करे बहुत कुछ करे, जैसे काका अभी बहुत कुछ, अब तो काला बताने कब ठंड है, किसान के पूरा धान दीज पान दीज सब डबल पैसा दी से है, और का कार्य हो कार्य से खुश है विधायक खप है तो विधायक ले बताबो अभी खुश नहीं आए थी जायजा ले हां नहीं आ आप मन बताओ भैया आप मन यहां के विधायक से खुश हो जानकारी नहीं है दे बताओ भैया ओ खुश हैं हम भैया श्याम खुश है हम खुश खुश है और अब श्याम खुश है ले कमाता तो नहीं उन ज्ञान मिलते करते हम श्याम को हम खुश हैं आप मन बताओ दादा काका सरकार आ सकती तो सुन ये बात बता देता हूँ भूपेश बघेल अब बोले रही से कि मैं हर आदमी के चिट फंड के पैसा दिलाऊँ है नी आज भूपेश बघेल आज काकरो पैसा नहीं दिला है सिर्फ अपन 1 करोड़ बरो मरा से नहीं दिला इतना पैसा अभी तक से पैसा नहीं दिला है मोर आज मोर लाख रुपए डूबे है खुश नहीं है सगर कार्य नहीं होकर कार्य में खुश नहीं भूपेश बघेल के और यही बात तो बता देता हूँ मैं दालेश्वर की से नफरत करता हूँ मैं काबर के बहुत दोगला है दालेश्वर है साले अभी तक से साले चुनाव इस साले शकल दिखा नहीं आए नहीं आए जायजा ले का करत हो का नहीं करत हो मोला कांग्रेस से पूरा नफरत है आप मन की राय बताओ दादा आप मन की राय बताओ हम का राय बताओ काका सरकार आ सकती अब बोलो का जान लो काका सरकार सरकार में ले ले अरे काका से खुश है काका कार्य से खुश है अरे कोई कार्य नहीं कर सके यहाँ से तो सब कांग्रेस भी अच्छा करते है भाजपा भी अच्छा करी से कांग्रेस से आना चाहिए एक बार आओ फिर आप बताओ भैया काका सरकार भूपेश सरकार आना चाहिए खुश है सरकार कुछ योजना नहीं मिले नहीं मिली है अभी तक सब मत छोटे छोटे तलवार वो मतलब मकान मिला थे बिल्डिंग मिला सब मिला थे बना देते हमारे कहीं नहीं मिले तो सब ला देवा से तुम्हाला नहीं देते नहीं दे आज तक बड़े आदमी समझते मला करते पाएगा कुछ लाभ नहीं मिला ना सरकार की तोला नहीं नहीं मिला वो 2000 अलग बात ना हो मिला तुम आप मला का लगा दादा काका सरकार आज कांग्रेस